गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिए और उनको बताइए कि सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। गुड इवनिंग। अब डेली आपका सेशन जो है 7:30 को रहेगा न्यू न्यू टॉपिक पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वाह, चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। मैं शुभंकर झा आप सभी का वेलकम करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। सुप्रिया है, आकांक्षा है, रानी है, झा है, मल्लिका है, दिया है। वेरी गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। बस 1 से 2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट सेशन में हमने जो लेक्चर लिया था वो लिया था टैप रूट के स्ट्रक्चर एंड उसके मॉडिफिकेशन पे, और एडवांटेजियस रूट का स्ट्रक्चर जो है वो हो चुका था। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस सेशन में हम कंडक्ट करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट के बारे में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कुछ 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर यानी टैप रूट मॉडिफिकेशन तो वो भी आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बस 1 मिनट, 7:35 से हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तब तक अगर कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार आप अपना ये जो वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दीजिए आपके जो भी ग्रुप्स होंगे या आपके जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए न्यू एंड स्टूडेंट जो है राज है, ओके, नैना है, समीर है, इशिता है, किशोर है, यश है। चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे। और बेटा आज का जो सेशन है हमारा वो रहने वाला है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट। तो सबसे पहले एडवांटेजियस रूट्स के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जैसे कोई भी प्लांट्स है उस प्लांट नोडल रीजन से बहुत सारे फाइबरस रूट यानी एक ही जगह से बहुत सारे रूट ओरिजिनेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? एडवांटेजियस रूट्स बोले जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि इफ़ द रूट इज़ नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और अदर पार्ट से रूट ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवांटेजियस रूट बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो एम्ब्रायो रीजन है उसमें प्लीम्यूल से सूट रीजन डेवलप होता है और रेडिकल से रूट। लेकिन मोनोकॉट में क्या हो जाता है कि रेडिकल जो है वो शॉर्ट लाइव होता है और फिर अदर पार्ट नोडल रीजन से जो है कहीं से डेवलप होता है रूट्स। ठीक है, और स्टेम रीजन के नोडल रीजन से, तो ये सब चीज़ें जो है हमें पढ़ना है इस सेशन में। चलिए तो पहला जो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट, वो पर्पस है उसका स्टोरेज ऑफ फूड। आपने टैप रूट में भी देखा था फूड स्टोरेज के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी हम फूड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। बस फर्क इतना है कि वहाँ मेन रूट जो है फूड स्टोर कर रहा था, यहाँ पे मेन रूट नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फाइब्रस रूट होता है। रूट जो है रेडिकल को छोड़ के किसी भी नोडल रीजन से ओरिजिनेट होता है। फाइब्रस रूट अल्सो सो फूड स्टोरेज लाइक टैप रूट, है ना? टैप रूट के जैसा ही फाइब्रस रूट भी फूड स्टोरेज शो करता है। बस डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि फाइब्रस रूट यूजुअली डू नॉट डेवलप डिफाइनाइट शेप, इसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, और इसीलिए इसको फिर से क्लासिफाइड कर दिया जाता है बीडेड में।
ठीक है, नोड्यूलस में, उसके साथ साथ सिंपल ट्यूबरस में एंड फैसिकुलेटेड में, है ना। तो ये अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिए जाते हैं। टोटल चार टाइप के मॉडिफिकेशन है, किस बेस पे? फूड के स्टोरेज के बेस पे। तो पहला जो आएगा वो है सिंपल एंड ट्यूबरस। तो आपने ट्यूबरस पे देखा है, तो अब ट्यूबरस में सिंपल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सिंपल ट्यूबरस रूट बिकम स्वे, अगर कहीं पे भी कोई भी इशू है ना, एक थोड़ी भी क्वारी रहेंगी, बिल्कुल आप चैट सेक्शन आपके ओपन है, मैं चैट सेक्शन पे भी नज़र बनाए हुआ हूँ, तो आप बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन जो है चैट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। और आप ये, और आप जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, इससे एक एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कोई डिफाइनाइट शेप नहीं रहता है, और ये प्रोड्यूस होते हैं कैसे? सिंगली, एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सिंगली प्रोड्यूस होते हैं। द रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स ओवर द स्टेम। तो ये रूट्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? स्टेम से, है ना। और स्टेम में कहाँ से? नोडल रीजन से। और ये सॉइल को क्या करते हैं? पेनेट्रेट करते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि कुछ इस तरह का अगर कोई प्लांट है, तो ये जो ऐसे गांठे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना आपको, दैट इज द नोडल रीजन। तो इस नोडल रीजन से क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है किसका? रूट्स का। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवांटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो को, जिसका कॉमन नेम शकरकंद है, और इसका बॉटनिकल नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से आइपोमिया बटाटाज इसको बोला जाता है। और ये रहा आपके सामने सिंपल सा डायग्राम, वो भी सिंपल ट्यूबरस रूट का। क्या ये आपको क्लियर हो गया? सिंपल ट्यूबरस रूट जो है आपको क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, सिंपल ट्यूबरस रूट आपको क्लियर हो गया? जो सिंपल ट्यूबरस रूट हमने पढ़ा है, क्या आपको ये क्लियर हो चुका है? सिंपल ट्यूबरस रूट में ओके, धोटे क्लियर है, झा क्लियर है, इसीता क्लियर है, ओके, दिया क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये सिंपल ट्यूबरस रूट होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रूट्स किसी भी नोडल रीजन से क्या हो जाता है? यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, जैसे आपने कोनिकल रूट में देखा था कोन शेप था, उसके बाद आपने नैपी फॉर्म देखा जिसमें स्फेरिकल शेप था और फिर एकदम से नैरो हो गया था, फिर उसके बाद आपने स्पिंडल फॉर्म में देखा था, ठीक है। चलिए क्लियर है रानी, क्लियर है राज, क्लियर है समीर, क्लियर है यश, क्लियर है वैष्णवी, क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट में, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस, है ना। अभी आपने सिंपल ट्यूबरस देख लिया, अभी आप क्या देखोगे? फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। तो सिंपल ट्यूबरस में आपने क्या देखा? कि सिंपल ट्यूबरस में आपने देखा कि एक नोड से एक ही रूट ओरिजिनेट हो रहा था, एक नोड से एक ही रूट ओरिजिनेट हो रहा था। लेकिन ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, यह है एस्पैरागस का रूट का, और यहाँ पे एक रीजन से मल्टीपल रूट जो है ना, स्वेलन पोर्शन आपको दिखेगा, और इसका भी कोई पर्टिकुलरली शेप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम वन पॉइंट विच बिकम्स थिक एंड फ्लेसी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड इज नोन एज फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि ये प्लांट का नोडल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से एक रूट ओरिजिनेट हो रहा था जिसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं था, तो वो सिंपल ट्यूबरस कहलाया। लेकिन अब क्या होगा कि इसी रीजन से जो अलग अलग फाइबर निकला हुआ था, वो अलग अलग फाइबर में क्या हो गया? स्वेलिंग आ गया, और एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ, और मल्टीपल रूट जो है वो क्या कर लिया? फूड को स्टोर कर लिया, और डायग्राम जो है आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्लस्टर में रूट अराइज होता है एक जगह से, और वो फूड को स्टोर कर लेता है, ट्यूबरस हो जाता है, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। दीज क्लस्टर आर सीन एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको? स्टेम के बेस में आपको ये दिखेगा। एग्जाम्पल है डहेलिया है और एस्पैरागस है। क्या ये आपको फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट क्लियर हो गया? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। ओके, आकांक्षा क्लियर है, अभय क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट का टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, क्या ये क्लियर है?
ओके जहाँ क्लियर है चैट सेक्शन में बिल्कुल आपका जो जो भी कमेंट है जो भी फीडबैक है चैट सेक्शन में आप जल्दी जल्दी दीजिए। ओके इसी दा क्लियर है। राज क्लियर है, वेरी गुड। वैष्णवी क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा, कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल बताइए, हम बिल्कुल उसे और सॉल्व करेंगे। लक्ष्मी क्लियर है, समीर क्लियर है, अमीषा क्लियर है, वेरी गुड। रानी क्लियर है, आकांक्षा क्लियर है, ओके 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 सभी को क्लियर है। चलिए बिल्कुल आप जैसे प्यारे बच्चे रहेंगे तो 100% क्लियर होगा। दिया क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, रिया क्लियर है, अभय क्लियर है, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट का फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड में थर्ड देख रहे हैं और वो है बीडेड रूट। अब बीडेड रूट में क्या होता है ये समझिए। तो ये जो रूट्स रहते हैं इसमें स्वेलिंग जो है ना एक रेगुलर इंटरवल में आएगा, है ना, एक रेगुलर इंटरवल में। जैसे यहाँ से ये रूट ओरिजिनेट हुआ, स्वेलिंग हुआ, फिर शॉर्ट हो गया, फिर स्वेलिंग हुआ, फिर शॉर्ट हो गया, इस तरह से स्वेलिंग स्वेलिंग आएगा, नैरो हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, नैरो आ जाएगा, इस तरह से रूट का स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया, फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल, यानी स्वेलिंग हो रहा है और फिर से क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, नैरो हो रहा है। दीज बीडेड रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोनिली फॉर्म रूट्स। तो इसी यानी यही जो बीडेड रूट है इसी रूट को क्या बोला जाता है, मोनिली फॉर्म रूट भी बोला जाता है। बीडेड रूट जो है आपका स्वेल रहता है, फूला रहता है एक रेगुलर इंटरवल में, फुला रहेगा, नैरो रहेगा, फिर मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और बीडेड रूट को ही दूसरा नाम दिया गया है मोनिली फॉर्म रूट। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पिनेसिया ओलेरेसिया, ये इंडियन एस्पिनेच है यानी कि पालक है, ठीक है, पालक का रूट जो है इस टाइप का मॉडिफिकेशन शो करता है। और ये रहा आपके सामने डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ही पॉइंट से ओरिजिन है, बहुत सारे क्लस्टर में ओरिजिन है। देखिए फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट और इनमें क्या डिफरेंस है, तो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट और इनमें ये डिफरेंस है कि वहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल में स्वेलिंग था, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग जो है वो इंटरवल में है ना। यहाँ पे आपको रेगुलर इंटरवल में स्वेलिंग नैरो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, धीरे 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 स्वेलिंग आपको बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो क्या ये आपको बीडेड रूट और मोनिली फॉर्म रूट क्लियर हो गया टॉपिक, बीडेड रूट और उसी का दूसरा नाम है मोनिली फॉर्म रूट, क्या ये टॉपिक आपको क्लियर है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए क्या ये टॉपिक आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सुप्रिया क्लियर है, झा क्लियर है, इशिता क्लियर है, समीर क्लियर है, अदिति क्लियर है, ओके 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 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके लक्ष्मी 7 पैसे क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, राज नंदुरकर क्लियर है। देन हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखेंगे एडवांटेजियस रूट का स्टोरेज पर्पस से ही, दैट इज द नोड्यूलस रूट। इस रूट में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके आकांक्षा क्लियर है, वेरी गुड। तो इस रूट में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो स्टेम का बेस है वहाँ से फाइबरस रीजन ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि नॉर्मल इसमें होता है, लेकिन स्वेलिंग कहाँ हुआ है, तो उसके टिप रीजन में, यानी कि ये अगर रूट यहाँ से निकल रहा है तो इसका स्वेलिंग जो है ये टिप रीजन में हुआ है ना, टिप रीजन जो है उसका क्या हो गया, स्वेल हो गया है। तो इस तरह का जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसमें, आपके नोड्यूलस रूट में, यानी कि नोड्यूलस रूट में याद रखना है कि जो टिप रीजन है वो टिप रीजन क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उस टाइप के रूट को क्या बोलेंगे, हम नोड्यूलस रूट बोलेंगे। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ चैट सेक्शन में, रिया क्लियर है, रानी क्लियर है, ओके ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। नोड्यूलस रूट क्या होता है, द क्लस्टर ऑफ लॉन्गर स्लेंडर रूट्स बिकम एनलार्ज एट द टिप फॉर्मिंग नोड्यूल्स इज नोन एज नोड्यूलस रूट। यानी कि क्लस्टर ऑफ जो रूट्स अराइज होता है, फाइबरस रूट जो अराइज होता है उसके एंड वाले रीजन यानी टिप रीजन पे जाके उसमें स्वेलिंग आ जाती है,
और वो नोड फॉर्म कर लेता है, नोड्यूल्स फॉर्म कर लेता है, और इसीलिए इस रूट को क्या बोला जाता है, नोड्यूलस रूट बोला जाता है। एग्जाम्पल है एरो, जिसको मरंटा रूट बोला जाता है, आम हल्दी, जैसे आपने हल्दी सुना होगा है ना, वैसे ही एक आम हल्दी होता है, टेस्ट में खट्टा खट्टा होता है, प्लांट वैसे ही दिखता है, और इसका यूज जो है चटनी वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोड्यूलस रूट, और नोड्यूलस रूट में क्या है, ओरिजिन वैसे ही है फाइबरस, बस टिप रीजन जो है थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है, नोड्यूल्स बना लिया, और इसीलिए इस टाइप के रूट को बोला जाता है नोड्यूलस रूट। चलिए, क्या आपने कभी आम हल्दी की चटनी खाई है, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, क्या आपने आम हल्दी की चटनी खाई है, या कभी आपने आम हल्दी का प्लांट देखा है? बिल्कुल टर्मरिक के प्लांट जैसे, हल्दी के प्लांट के जैसा ही होता है, और टेस्ट में थोड़ा सा जो है सॉल्ट खट्टा होता है, सोड़ होता है। ओके, नहीं खाया है, कोई बात नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास अगर आया तो हम ज़रूर आपको खिलाएंगे, लाइव सेक्शन में नहीं, लाइव सेशन में नहीं, रियल में खिलाएंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या ये टॉपिक आपको क्लियर है, चैट सेक्शन में बताइए। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है, ओके ओके क्लियर है। मरंटा रूट बोलते हैं बेटा एरो को, जो है ना मरंटा रूट बोलते हैं, अब लोकल इस एरिया में क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, ये भी जरूर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजेस रूट में आपने क्या क्या पढ़ लिया, तो सिंपल ट्यूबरस, आम हल्दी ही प्लांट का नाम है बेटा। आम हल्दी प्लांट का नाम ही है, लोकल नेम है आम हल्दी, क्योंकि हल्दी के जैसा प्लांट होता है और आम के जैसा खट्टा होता है, इसलिए लोकल नेम उसको आम हल्दी बोला जाता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेज रूट में फॉर फूड पर्पस आपने देख लिया, सिंपल ट्यूबरस देखा, फैसिकुलर ट्यूबरस देखा, बीडेड देखा, नोड्यूलस रोटा देखा, ठीक है, और मोनिली फॉर्म देखा, तो ऐसे आपने अलग अलग टाइप्स के रूट देख लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ओके, क्या आपने बनियन ट्रीज देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछिए, प्रॉब्लम पूछने से ही सॉल्व होता है। क्या आपने बनियन का प्लांट देखा है, यस देखा है, ओके ओके, चलिए तो बनियन प्लांट में आपने देखा होगा कि मेन रूट से जो प्लांट निकलता है कुछ दिन के बाद जब वो बड़ा होता है, तो उसके लैटरल ब्रांचेस जो है, मेरे पास एक स्टिक है, मैं इसी का बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो ये लैटरल ब्रांचेस जो है कुछ इस तरह से ग्रो होता है। ठीक है, अब ये थोड़े देर के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नीचे ऐसे झुक जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो इसीलिए क्या होता है, इसके नोडल रीजन से एक फाइबरस रूट निकलता है, और ये नोडल रीजन से तब तक वो नीचे जाते जाएगा जब तक कि वो सॉइल में पेनेट्रेट ना कर दे, और जैसे ही वो सॉइल को पेनेट्रेट कर देगा तो इसका थिकनिंग भी बढ़ने लगता है, मतलब इसका सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो ये जो रूट है ये कहाँ से ग्रो हुआ, स्टेम, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो ग्रो हो रहा था स्टेम, उसके रीजन से, उसके नोडल रीजन से ग्रो हुआ है जमीन के तरफ, और ये किस तरह से काम करेगा, तो जैसे आपके बिल्डिंग में पिलर होता है ना बिल्डिंग में पिलर डालते हैं आप ताकि क्या हो, छत को सपोर्ट मिले, बस उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से रीड करके बता देता हूँ, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ ट्री लाइक बनियन ट्री, तो ये रूट कहाँ से अराइज होते हैं, हॉरिजेंटल ब्रांच, हॉरिजेंटल देखो ये होता है वर्टिकल, 90 के एंगल में है, और ये क्या है, हॉरिजेंटल, ऐसे अगर प्रेजेंट है तो ये हॉरिजेंटल, और अगर ऐसे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो जो ब्रांचेस होते हैं बनियन ट्री को कैसे होते हैं, हॉरिजेंटली ग्रो होते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली ग्रो होते जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसे भी हो सकता है नीचे आ जाएंगे, प्लांट्स का पार्ट टूट जाएगा, तो ऐसा ना हो करके उनमें क्या हो जाता है, उनके नोडल रीजन से, उनके नोडल रीजन से जो है क्या निकलता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो ये मैंने बताया आपको वर्टिकली और ये बताया आपको हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ क्या होने लगेंगे, रूट्स अराइज होने लगेंगे, एंड वो रूट्स जमीन में चले जाएंगे और सॉइल को पेनेट्रेट कर देंगे, है ना, और बनियन ट्री को ही फाइकस बेंगालेंसिस बोला जाता है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। दीज प्रॉप रूट
सो अच्छा, प्रॉप रूट को ही पिलार रूट भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये इसी तरह जैसे हमारे मकान में पिलर होता है, वैसे ये पिलर की तरह काम करता है, सपोर्ट देता है ब्रांचेस को। दीज प्रॉप रूट सो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो जैसे ये पानी का बॉटल है मेरे पास, ठीक है, अब ये एक बार तो इतना लेंथनिंग हो गया इसका, लेकिन अब इसका डायमीटर भी तो बढ़ना चाहिए, इतना ही पतला रहेगा क्या? नहीं, अब इसका डायमीटर बढ़ाना है। तो डायमीटर बढ़ाने के लिए जो कैम्बियम सेल्स रहते हैं ना रिंग में, वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके जो है उसका डायमीटर बढ़ाते हैं, गिर्थ बढ़ाते हैं, उसे ही बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्रॉप रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, और आगे चल के वो ठीक यानी धीरे धीरे मोटा भी होते जाता है, और कैसा? पिलर के जैसा काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हेवी ब्रांचेस को, और इसीलिए हम इसे प्रॉप रूट और पिलर रूट बोलते हैं। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा बनियन ट्री का, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक मेन रूट के साथ बहुत सारे इसमें क्या है, प्रॉप रूट प्रेजेंट है, सपोर्टिव रूट प्रेजेंट है, जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। चलिए आपको इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपके चैप्टर फर्स्ट या फर्स्ट में ही है ना, चैप्टर फर्स्ट में बॉटनिकल गार्डन है, उसमें बॉटनिकल गार्डन जो है आपका कोलकाता के बारे में बताया गया है, जिसमें आप जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, 270 एकड़ में है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्यूब में है, ठीक है, और वो 300 एकड़ में है, और हमारे इंडिया में 270 एकड़ में है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बनियन ट्री है जो 5 एकड़ में फैला हुआ है ना, 5 एकर्स में क्या है, फैले हुए हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गया सिंपल सा एग्जाम्पल प्रॉप रूट का, आपके सामने बनियन ट्री आपने देखा है, और ये आपके सबसे ज़्यादा फैमिलियर एग्जाम्पल है। द टॉपिक इज क्लियर, जल्दी बताइए क्या टॉपिक आपको क्लियर हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजेस रूट में फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, प्रॉप रूट अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या आपको प्रॉप रूट क्लियर हो गया? यस क्लियर है, ओके, समीर क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलिए और जल्दी से जल्दी से जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए किसको इसको क्लियर हो गया। ओके, देन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजेस रूट में फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे टाइप का रूप है, जिसे बोलते हैं स्टिल्ट रूट, है ना, इसे क्या बोला जाता है, स्टिल्ट रूट बोला जाता है। अब ये स्टिल्ट रूट का क्या काम होता है और ये किस तरह से काम करता है, ये भी आपको बता देते हैं। ओके, रिया क्लियर है, झा क्लियर है, दिया क्लियर है, राज क्लियर है, इसीता क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, ओके ओके वेरी गुड। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजेस रूट में हम स्टिल्ट रूट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आकांक्षा क्लियर है। तो स्टिल्ट रूट क्या होता है? अब क्या आपने देखा है मेज देखा है, मेज देखा है, या फिर जवार, या फिर आपने शुगर केन यानी गन्ना किसी फार्मिंग एरिया में आप गए हैं तो देखा है क्या आपने? तो उसमें आप देखे होंगे कि उसके जो नोडल रीजन होते हैं, ठीक है, जैसे ये प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स के नोडल रीजन से क्या होता है, जैसे ये रूट रीजन है, तो यहाँ से तो बहुत सारे रूट्स जो है ओरिजिनेट होते ही हैं, ठीक है, ये तो उसका फाइबरस रूट है ही, लेकिन कुछ एक दो नोड तक जो है यहाँ पे ऐसे ऑब्लिकली ग्रोइंग रूट्स दिखते हैं, ठीक है, ऑब्लिकली ग्रोइंग रूट दिखते हैं, जो कुछ इस तरह से होते हैं, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसे ही बोला जाता है स्टिल्ट रूट, है ना, इसे ही क्या बोला जाता है, स्टिल्ट रूट बोला जाता है, जो आपको मोनोकॉट्स में दिखता है, और ऐसा उस स्टेम में होता है जिस स्टेम में स्टेम क्या होते हैं, वीक होते थोड़े से, यानी ऐसे हिलने डुलने वाले हैं ना, जैसे आप मेज को देख लो, या फिर आप मेज के साथ साथ जो है शुगर केन गन्ना को देख लो, ये प्लांट्स लंबे होते हैं और पतले होते हैं, तो अगर इनको मैकेनिकल सपोर्ट ऊपर से ना मिले नोडल रीजन से, तो ये गिर जाएंगे थोड़े से हवा बढ़ने के कारण से, है ना, तो इसीलिए इनको एक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। दीज रूट्स नॉर्मली अराइज फ्रॉम फ्यू लोअर नोड्स ऑफ द वीक स्टेम, है ना, तो जो नोड्स रीजन है लोअर मोस्ट है वहाँ से तो ओरिजिनेट हुआ है, कुछ दो तीन नोड तक जो है ना क्या हो जाएगा, इसमें से रूट्स जो है वो ओरिजिनेट होते रहता है, और ये किस में होगा, मोनोकॉट श्रब में होगा या फिर स्मॉल ट्री में होगा। दे शो ऑब्लिकली डाउनवर्ड ग्रोथ पेनेट्रेटिंग सॉइल एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। देखो ये हॉरिजेंटल,
ये वर्टिकल, और ये देखो ये हॉरिजेंटल है, और अगर मैं ऐसे टेढ़ा करके ग्रो करूँ तो ऐसे, ये ऑब्लिकली होता है ना, ऐसे एंगल में अगर ग्रो हो रहा है तो ऑब्लिकली होता है। तो इसका जो ग्रोथ रहेगा रूट्स का वो कैसे रहेगा, ऑब्लिकली रहता है, और वो तब तक ग्रो होते रहेगा जब तक कि सॉइल को पेनेट्रेट ना कर दे। ये किस मेंबर ऑफ फैमिली को में प्रेजेंट रहता है, तो पोएसी है ना, यानी मोनोकॉट की फैमिली है, जैसे मेज है, ज्वार है, शुगर केन है। इसमें आपको ये स्टील्ड रूट जो है देखने को मिलता है, नोडल रीजन के सराउंडिंग में रहता है, और ये आपके सामने डायग्राम है। क्या ये आपको क्लियर हुआ जो हमने टॉपिक पढ़ा है स्टील्ड रूट, क्या ये आपको क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। ओके रानी क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, दोटे क्लियर है, ओके राज क्लियर है, बिल्कुल अगर आप क्लियर होना ही चाहिए, जा क्लियर है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी ऐसा रहा जो नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है, दिया क्लियर है, ओके ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को क्लियर है, आकांक्षा क्लियर है। और अगर आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है जिसे क्लियर ना हुआ हो तो बिल्कुल आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए और हम उसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देन नेक्स्ट इज द क्लाइंबिंग रूट, है ना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को होल्ड करके चढ़ना है ना, दैट मीन्स क्लाइंबिंग रूट। तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्लाइंबिंग रूट। डिफरेंट क्लाइंबर्स विद वीक स्टेम, है ना, स्टेम जिसका वीक होता है, वाइन्स बोलते हैं उस प्लांट को, प्रोड्यूसेस रूट एट देयर नोड्स बाय मीन्स ऑफ विच दे अटैच देम सेल्फ टू सपोर्ट एंड देयर बाय रेज देम सेल्फ अबव द ग्राउंड। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसका स्टेम वीक होता है और वो क्लाइंब करते हुए क्या करते हैं, किसी सरफेस पे ऊपर तक चढ़ते हैं। तो जैसे हमारे हम सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करते हैं, खुद को होल्ड करते हुए जाते हैं, ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, तो कुछ उसी तरह का फिनोमेना ये प्लांट शो करता है। और हर नोडल रीजन से जो है कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करता है, और वो रूट सरफेस को पेनेट्रेट कर देता है, और उससे उसको क्या मिलता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट जो है उसको मिल जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। डल लीफ यानी जो पान है वो हो गया, उसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि पाइपर निग्रम यानी कि काली मिर्च, उसके बाद पोथोस यानी कि उसे हम मनी प्लांट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा इन सब प्लांट्स में, चलिए अगर आपने पाइपर निग्रम यानी कि काली मिर्च नहीं देखा लेकिन बेटल लीफ देखा होगा, ठीक है, अगर बेटल लीफ भी नहीं देखा होगा तो मनी प्लांट तो देखा ही होगा, जिसे पोथोस प्लांट भी बोला जाता है। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, जमीन पे नहीं, क्या ये सीधे खड़े हो पाते हैं, नहीं, ये वीक स्टेम होता है इनका, किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लाइंबिंग प्लांट्स बोला जाता है। और इनके नोडल रीजन से रूट ओरिजिनेट होता है जो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है और पूरे प्लांट बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये फोटो है किसका, बेटल लीफ का यानी कि पान का, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, क्लाइंबिंग रूट का। क्या आपको क्लाइंबिंग रूट क्लियर है, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या आपको क्लाइंबिंग रूट क्लियर है टॉपिक, यस क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, समीर क्लियर है, इशिता क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से तुरंत रिएक्ट करते हो और बोलते हो सर क्लियर है ना, एक एनर्जी सी आ जाती है। जा क्लियर है, राज क्लियर है, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट में मैकेनिकल सपोर्ट है ना, सेकेंड पार्ट यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट चल रहा है हमारा। अच्छा इसको बोलते हैं हम प्लैंक रूट और बटरस रूट। क्या आपने, ओके आकांक्षा क्लियर है, क्या आपने गुलमोहर का प्लांट देखा है, क्या आपने गुलमोहर का प्लांट देखा है, बेटल लीफ यानी बेटा पान, पान नहीं क्या, जो पान खाते हैं ना उसको बेटल लीफ बोलते हैं,
ओके देखा है। तो जब आप गुलमोहर के प्लांट्स को देखे होंगे तो उसके रूट्स आपको सरफेस पे ऐसे फैले हुए दिखे होंगे बहुत सारे, है ना। उसके रूट जो होते हैं ऊपर सरफेस पे यानी जमीन पे फैले हुए होते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है, एक सपोर्ट। जैसे समझ लीजिए कि ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है, और ये क्या है ऊपर में, ये बटरस रूट है। तो इस तरह से रहेगा तो इस प्लांट को इधर झुकने देगा क्या, नहीं झुकने देगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा गुलमोहर का प्लांट्स होता है या सिल्क कॉटन जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा होता है, बॉम्बैक्स बोलते हैं, या पीपल का प्लांट्स है, इन सब प्लांट्स के जो रूट्स हैं आपको जमीन पे दिखेंगे, सरफेस पे ऐसे फैले हुए दिखेंगे। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये खुद के बॉडी पार्ट को इधर या उधर जो है कहीं झुकने ना देंगे, क्योंकि इतना प्लांट पार्ट हैवी होने के कारण अगर ये किधर भी झुक जाएंगे तो पूरे लेदे के गिर जाएंगे। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट मिलता है रूट से। और ये रूट किस तरह से फैले होते हैं, तो सरफेस पे फैले होते हैं, जिससे उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, एक सबस्ट्रेटम पे खुद को होल्ड करने में हेल्प होता है। और ये इस टाइप के रूट को हम प्लैंक्स रूट बोलते हैं, और इस टाइप के रूट को हम बटरस रूट बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप को प्लांट के फोटोग्राफ्स अच्छे अच्छे देखने रहते हैं तो मेरा ही यूट्यूब पे एक सॉरी इंस्टाग्राम पे एक पेज है झा फोटोग्राफी करके, आप वहाँ ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स और ऐसे मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे हम यूट्यूब पे भी कुछ शॉर्ट्स जो है वो डालते रहते हैं, एंड आपको अगर कोई भी इशू रहा तो बायोलॉजी लॉन्चर करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप अपना टॉपिक, आप आपका जो भी प्रॉब्लम है बायो से रिलेटेड वो मुझे बता सकते हैं, तो उसे हम जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्लैंक्स रूट एंड बटरस रूट ऑफेन डेवलप एट द बेस ऑफ लार्ज ट्री, बड़े प्लांट्स में उसके बेस से डेवलप होता है, फ्रॉम प्लैंक लाइक एक्सटेंशन अराउंड स्टेम, स्टेम के चारों तरफ एक एक्सटेंशन जो है निकलता है। और उस एग्जाम्पल है यहाँ पे सिल्क कॉटन का, पीपल का एग्जाम्पल है, गुलमोहर का नहीं दिया है, लेकिन गुलमोहर के प्लांट्स में भी जरूर इसी टाइप का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं बटरस रूट और प्लैंक्स रूट, और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट का ही मॉडिफिकेशन है जो 5th नंबर पे आता है। तो क्या आपको बटरस रूट क्लियर हो गया? रूट से ही आपको पता चलेगा कि एक सबस्टेटम को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। क्या आपको प्लैंक्स रूट एंड बटरस रूट जो है ये क्लियर हो गया? ओके, सुप्रिया क्लियर है, इशिता क्लियर है, वेरी गुड, वैष्णवी क्लियर है, समीर क्लियर है, राज क्लियर है, जा क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम। देन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट में ही नेक्स्ट है, दैट इज द बायंट रूट। अरे ये क्या चीज़ है, देखो बायंसी यानी समझाता हूँ वो सबसे पहली चीज़। जैसे समझ लीजिए कि ये एक पानी का बॉटल है, ठीक है, अगर ये पानी से भरा हुआ रहेगा और इसको मैं पानी में छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना, नीचे चला गया, ये डूब गया ये पानी। लेकिन यही अगर इसमें मैं पानी खाली रखूंगा या फिर इसमें मैं पानी ही नहीं भरूंगा, इसको अगर मैं पानी पे छोड़ दूंगा ना तो ये ऐसे तैरते रहेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से तैरते रहेगा। तो बस रूट में ये जो आपको व्हाइट पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला रीजन, ठीक है, ये नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको ये रीजन, ठीक है, तो ये रीजन जो आपको कोनिकल शेप में कुछ इस तरह के शेप में दिख रहा है, ठीक है, इस तरह के शेप में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये रूट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये नोडल रीजन से ओरिजिनेट हुआ है, और ये नोडल रीजन से ओरिजिनेट होके उसमें क्या है, एयर स्पेस प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एयर स्पेस प्रेजेंट है। और ये एयर स्पेस क्या कर रहा है, उसको बायंसी दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बॉटल है और अगर इस बॉटल में एयर भरा हुआ है तो ये पानी में डूबने देगा क्या, किसी चीज़ को नहीं डूबने देगा। तो
तो वैसे ये जो प्लांट्स है और ये जो लीफी पार्ट दिख रहा है आपको, ये पानी के ऊपर तैरते रहेगा। क्यों तैरते रहेगा? क्योंकि इसका जो रूट रहता है उसमें क्या है, स्पॉन्जी है ना, स्पॉन्ज की तरह इनसाइड में स्ट्रक्चर है जिसमें एयर स्पेस है, और एयर स्पेस होने के कारण वो उसको क्या दे रहा है, बायंसी दे रहा है। बायंसी यानी हल्कापन दे रहा है ना, जैसे खड्डे वगैरह होते हैं ना पानी में तैरते रहता है, कुछ इस तरह का। रूट डेवलप एट द नोड्स ऑफ एक्वेटिक हर्ब लाइक जक्सिया रिपेंस, है ना, एक्वेटिक हर्ब्स है, बिकम्स हाईली इनफ्लैटेड, है ना, काफ़ी मोटा और फैला हुआ रहता है, स्पॉन्जी रहता है, स्पॉन्ज के जैसा होता है क्योंकि उसमें एयर भरा हुआ रहता है, और क्या प्रोवाइड करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है यानी हल्कापन प्रोवाइड करता है, जिससे वो पानी में तैर सके, पानी में वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके। तो इस टाइप के रूट को हम क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट में बायंट रूट। क्या आपको बायंट रूट क्लियर हो गया? जल्दी से चैट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, क्या आपको बायंट रूट क्लियर हो गया? इसी तरह क्लियर है? समीर क्लियर है? ओके गुड। वैष्णवी क्लियर है? दिया क्लियर है? और बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखो, अभी हमारा रोज़ 7:30 बजे सेशन रहेगा, और अभी इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो ये आज हमारा रूट कंप्लीट हो जाएगा तो कल हमारा टॉपिक स्टेम रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारे पिछले सेशन का वीडियो नहीं देखा होगा लाइव, तो लास्ट संडे एक मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है ना, वो जरूर देख लें, क्योंकि वो जो स्टडी की गई है वो स्पेशली जो है फील्ड एरिया में किया गया है, तो उसे आप जरूर देख लें, ठीक है। और हमारे इस चैनल से बने रहें, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी ये चैनल के बारे में बताइए उन्हें, ताकि उनको भी ये थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे आप वीडियो जरूर देख लेंगे, है ना, ये मुझे भी पता है और आप सभी को पता है, लेकिन YouTube पे आपके लिए यानी इंटरैक्टिव चैनल मिलना अभी के टाइम में थोड़ा मुश्किल है। फिर इसके लिए आपको कोई क्लास वगैरह ऐसे लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर आपको ये फ़ायदा मिल रहा है तो इसका लाभ लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ईपी फाइटिक। देखिए ईपी का मतलब क्या होता है समझिए, सबसे पहले ईपी का मतलब होता है एबव, ठीक है। ईपी का मतलब क्या होता है, एबव। एबव यानी क्या, किसी के ऊपर। जैसे देखो ये सरफेस है, मैं बोलूँगा ईपी यानी इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो ईपी यानी क्या हो गया, ऊपर, है ना, सरफेस पे। और फाइटिक का मतलब क्या होता है, प्लांट। फाइटिक का मतलब क्या होता है, प्लांट, यानी कि समझ लीजिए कि ये प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर में कोई और प्लांट ग्रो हो रहा है, इस प्लांट के ऊपर में कोई और प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं ईपी फाइटिक प्लांट, और उसमें से जो रूट निकलेगा उसे ही हम बोलेंगे ईपी फाइटिक रूट। तो स्मॉल ईपी फाइटिक प्लांट सच एज ऑर्किड्स, है ना, ऑर्किड जो है स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, जहाँ हाई मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस एरिया में ग्रो होते हैं। ग्रोइंग ऑन द बंच ऑफ द ह्यूज ट्री, जो बड़े प्लांट्स होते हैं ना उसके ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं। कहाँ पे, डेंस रेन फॉरेस्ट में, जहाँ बारिश बिल्कुल होती ही रहती है। एंड आर अनेबल टू ऑब्टेन सॉइल मॉइस्चर। तो जनरली आप प्लांट्स में क्या देखते हो, कि प्लांट्स में एबिलिटी होती है कि वो मिट्टी से पानी को क्या करे, खींच सके, है ना, मिट्टी सॉयल से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि ये जमीन से पानी को खींच सके। लेकिन अगर इनमें जमीन से पानी खींचने की एबिलिटी नहीं है, तो भगवान ने इन्हें एक और नई एबिलिटी दी है, और वो एबिलिटी क्या है, तो सरफेस मतलब जो वाटर एयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर है, वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आएंगे, वो भी उसके पीछे वेलामेंट टिश्यू होता है, उसके कारण से ऐसा होता है। स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट सच एज ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ट्री इन डेंस रेन फॉरेस्ट एंड आर अनेबल टू ऑब्टेन सॉइल मॉइस्चर, जमीन से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसके पास एक स्पेशलाइज टाइप का रूट है जिसे हैंगिंग कंडीशन में रहता है, लटका हुआ रहेगा एयर में, है ना, क्योंकि एयर से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। दे प्रोड्यूसेस स्पेशलाइज रूट टू हैंग इन द एयर, जो एयर में ऐसे लटके हुए रहेगा। इस रूट पे स्पॉन्जी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जिसे एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। और एब्जॉर्बेंट क्या होता है, तो एब्जॉर्बेंट एक ऐसा पार्ट हो गया जिसके सरफेस पे पानी अटैच रहेगा। जैसे समझ लीजिए कि ये एक
रूट है और इस सरफेस पे पानी आके चिपक गया, ठीक है ना। तो इस सरफेस पे अगर पानी चिपक गया तो पानी कहलाएगा एब्जॉर्बेट और ये सरफेस कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। तो क्योंकि इसका जो रूट का जो लेयर है, रूट जो है वो कैसा है, स्पॉन्जी और मेम्ब्रेनस है, इसके कारण से उस पर क्या हो जाएगा, पानी जो है आके चिपक जाएगा, है ना, पानी जो है उस पर अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए उस सरफेस को बोला जाता है एब्जॉर्बेंट, है ना। और उसके ऊपर में एक लेयर होती है किसकी, वेलामेन टिश्यू की, और यही वेलामेन टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है किस चीज़ के लिए, तो यही वेलामेन टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और वो भी कहाँ से, तो वो भी एब्जॉर्ब करता है वाटर एटमोसफेयर से, यानी कि सराउंडिंग के वातावरण से। जैसे कि ये कोई मेन प्लांट्स है, और इस मेन प्लांट पे कोई दूसरा प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट जो है ये ग्रो हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे एक रूट जो है ये ओरिजिनेट नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये रूट जो है हवे में है, ये रूट जो है हवे में है, ठीक है। और ये हवा यानी एयर में है, और एयर से ही क्या कर लेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर स्पेशल फंक्शन द सेल्स ऑफ एलामेन दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना। तो इसमें क्या है, अभी एपिफाइटिक रूट ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो एपिफाइटिक रूट में क्या है, वेलामेन का देखा आपने रूट पे क्या है, वेलामेन टिश्यू है, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर से, है ना। ये तो स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन हो गया। और टिश्यू आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, इसलिए इसको क्या बोलाता है, हाइग्रोस्कोपिक। एंड इसका वाल क्या होता है, पोरस, पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके तरह पानी क्या हो सके, अंदर जा सके। रूट जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, कभी कभी ग्रीन भी होता है, लेकिन इसमें रूट कैप नहीं होता है। तो बच्चों आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रूट कैप का फंक्शन होता है पेनेट्रेटिंग द सॉइल एंड प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे ये एयर में है, इसको कौन सा पेनिट्रेट करना है, तो इसीलिए रूट कैप की कोई भी नीड नहीं है। तो इसका इस प्लांट में एपिफाइटिक रूट में रूट कैप एब्सेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जो है डेंड्रोबियम है, वेंडा है, ठीक है। और ये देखिए प्लांट्स क्लाइंबिंग रूट से, क्लिंगिंग रूट से, वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है, किसी प्लांट से अटैच है। और यहाँ पे एपिफाइटिक रूट या जो हैंगिंग रूट दिख रहा है, इस पे वेलामिन टिश्यू है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते रहता है। तो क्या आपको स्पेशल फंक्शन वाले रूट में एपिफाइटिक रूट क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। क्या आपको एपिफाइटिक रूट क्लियर हो गया, एपिफाइटिक का मीनिंग समझ में आ गया, चलिए जल्दी से बताइए मुझे एपिफाइटिक का मीनिंग कौन बताता है चैट सेक्शन में, मैं देखता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिफाइटिक, एपिफाइटिक का मीनिंग कौन बताएगा जल्दी से। चलिए हमारे साथ एडु लॉन्चर भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर चैनल में। जल्दी से बताइए मुझे एपिफाइटिक का मीनिंग कौन बताएगा मुझे, देखते हैं चैट सेक्शन में सबसे पहले कौन आंसर करता है। मोस्ट वेलकम सर, एपिफाइटिक का मीनिंग जो बताएगा उसे चॉकलेट मेरे तरफ से। अभी तो आंसर के भरमार लग जाने चाहिए, आंसर नहीं दे रहे आप, जल्दी से बताइए एपिफाइटिक का मीनिंग क्या होता है। ओके आंसर आया है अपर प्लांट्स, ओके प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स, ओके थैंक यू सर, ग्रोइंग ऑन मॉइस्चर, ओके। इपी एपिफाइटिक प्लांट्स हैविंग एबिलिटी टू ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन बिकॉज दे आर हैविंग एपिफाइटिक रूट्स
एंड दे आर मेड अप ऑफ वेलेमेन लेयर एंड दे आर द गुड एब्जॉर्बेंट, सो दे आर हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर, ग्रो ऑन अदर अनदर प्लांट, वेरी गुड। ओके, जो ह्यूज प्लांट पे ग्रो होते हैं, ठीक है, ह्यूज मीन्स लार्ज प्लांट पे ग्रो होते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों का आंसर आया है जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं। ईपी का मतलब होता है एबव एंड फाइटिक का मतलब होता है प्लांट, तो ऐसे प्लांट जो किसी सरफेस पे, किसी प्लांट सरफेस पे ग्रो होते हैं, दैट मीन्स ईपी फाइटिक, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। ओके, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेशल फंक्शन में सकिंग रूट और हॉस्टोडिया देखेंगे। लाइव सेशन जब हमने लिया था तो इस प्लांट का लाइव आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से उसके सकर्स जो हैं किसी मेन प्लांट बॉडी, होस्ट प्लांट बॉडीज में जो है फंसे हुए रहते हैं, और वहाँ से वो कैसे न्यूट्रिशन जो है वो सक करते हैं। चलिए, स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स डेवलप बाय पैरासिटिक प्लांट। एग्जाम्पल कसकूटा है, अमरबेल आपने सुना होगा, पीले पीले कलर का होता है, किसी प्लांट्स पे आपको दिखा होगा थ्रेड के जैसा, नेटवर्क के जैसा फैला हुआ, उसे हम अमरबेल बोलते हैं और साइंटिफिक नेम उसका कसकुटा है। इस प्लांट में ना रूट होता है ना लीफ होता है, क्योंकि इसे वाटर एब्जॉर्ब करने की क्या ज़रूरत है जब उसको फूड ही डायरेक्ट मिल रहा है, और लीफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसका नरिशमेंट ये कहाँ से लेता है? इसका नरिशमेंट लेता है ये जो भी प्लांट्स है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ये ग्रो होते रहता है उसे हम होस्ट बोलते हैं, वहाँ से ये नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सकिंग रूट में हॉस्टोरिया बोलते हैं हम, हॉस्टोरिया रूट, या फिर इसी रूट को जो है पैरासिटिक रूट भी बोला जाता है। जैसे कोई भी प्लांट्स है और उस प्लांट्स पार्ट को ये क्या करेंगे, वहाँ से न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ये कोई पार्ट है, ठीक है, और इस पार्ट से यहाँ से आपका पैरासिटिक रूट जा रहा, पैरासिटिक प्लांट जा रहा, और ये कुछ इस तरह से इसको पेनेट्रेट कर देगा, और यहाँ से जो है ये न्यूट्रिशन क्या करते जाएगा, एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो इस टाइप का रूट जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक रूट। इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट है ना, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है और पैरासिटिक प्लांट में प्रेजेंट रहता है। और होस्ट प्लांट किसको बोलेंगे, जैसे समझ लीजिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसके ऊपर मेरा एक कसकुटा यानी कि जो अमरवेल है वो ग्रो हो रहा है, तो इस प्लांट पे ये ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लांट जिस पे ग्रो हो रहा है यानी ये जो बॉटल है, समझ लीजिए ये प्लांट है, इससे मैं न्यूट्रिशन लेने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये प्लांट क्या कहलाएंगा, ये कहलाएंगा होस्ट, और मैं क्या कहलाऊंगा यहाँ पे, पैरासाइट कहलाऊंगा, ठीक है। तो ये हॉस्टोरिया जो स्वेलिंग रीजन है वो फॉर्म करता है और वहाँ से क्या कर लेता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें एक एग्जाम्पल है विस्कम एल्बम का, ये पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट का मीनिंग क्या हो गया कि ये दे आर नॉट टोटली डिपेंड ऑन प्लांट बट पार्शियली दे आर, यानी इनकम्प्लीटली दे आर डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट। जैसे कि ये किस चीज़ के लिए डिपेंड है प्लांट पे, तो इस बेचारे में एबिलिटी नहीं है कि वाटर एब्जॉर्ब कर सके, तो इसीलिए ये जिस प्लांट पे ग्रो होगा हॉस्टोरिया को पेनेट्रेट करेगा जाइलम तक, और जाइलम से वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, क्या ये फूड एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, बस ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, उसका वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए विस्कम एल्बम प्लांट को क्या बोला जाता है, पार्शियल पैरासाइट, और पार्शियल पैरासाइट को ही बोला जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। सकिंग रूट में आपका सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो रहता है कसकुटा का, और कसकुटा जो है आपके ये क्या होते हैं, लीफलेस होते हैं, इसे ही अमरवेल बोलते हैं, इसे ही दोदर भी बोला जाता है ना। और ये वास्कुलर स्टैंड को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, उसका फूड भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, फ्लेम रीजन से, और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम से, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कसकुटा एक लीफलेस प्लांट है, इसमें रूट भी नहीं होता है एंड लीफ भी नहीं होता है। इसका कलर येलोइस होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड सब कुछ किसी होस्ट सेल से, किसी होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कसकुटा को बोला जाता है टोटल पैरासाइट। तो बताइए क्या आपको तो स्पेशल फंक्शन में ये सकिंग रूट और हॉस्टोरिया क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। क्लियर हो गया, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए।
ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए। ओके रानी क्लियर है। इसीता क्लियर है। वैष्णवी क्लियर है। दिया क्लियर है। जा क्लियर है। ओके ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो अब हमारे इस सेशन का लास्ट स्लाइड है। जो भी हमने सेशन में लिया है लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में, इसका समराइज है कि हमने रूट मॉडिफिकेशन पढ़ा। रूट में दो टाइप के रूट देखे, टैप रूट देखे और एडवांटेजियस रूट देखे। क्या कोई बता सकता है मुझे टैप रूट एंड एडवांटेजियस रूट में क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है? चैट सेक्शन में कोई बता सकता है स्टूडेंट कि टैप रूट एंड एडवांटेजियस रूट में क्या डिफरेंस है? जल्दी से चैट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ कौन आंसर देता है सबसे पहले। टैप रूट किस प्लांट में होता है और एडवांटेजियस रूट किस प्लांट में होता है? आप डेफिनेशन बता सकते हो, आप किस टाइप के प्लांट में होता है ये बता सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये भी आप बता सकते हो। ओके डाइकॉट में टैप रूट होता है। एंड मोनोकॉट में कौन सा होता है? ओके मोनोकॉट में एडवांटेजियस रूट होता है। ओके ओके ठीक है, चलिए आंसर देते जाए, क्योंकि आंसर देंगे आप तभी मुझे लगेगा कि हाँ 100% क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि समझना ठीक है इजी हो जाएगा, लेकिन उसे याद भी आपको रखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो टैप रूट यानी क्या, जिसमें एक मेन रूट रहता है और रेडिकल से ओरिजिन रहता है। और एडवांटेजियस रूट यानी क्या, तो एडवांटेजियस रूट यानी कि जो रेडिकल्स है वो शॉर्ट लाइफ होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन एडवांटेजियस रूट जो है इसमें रूट का ओरिजिनेशन, जैसे ये नोडल रीजन बह रहा गया, तो इसके चारों तरफ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे चारों तरफ रीजन से बहुत सारे रूट्स एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं। टैप रूट रेडिकल से फॉर्म होता है और एडवांटेजियस रूट अदर देन रेडिकल से। वेरी गुड। ओके एडवांटेजियस रूट में रेडिकल एबसेंट होता है, करेक्ट, मीन्स रेडिकल सी डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है? तो एडवांटेजियस रूट्स आपको मोनोकॉट में देखते को मिलता है और टैप रूट जो है आपको डाइकॉट में देखने को मिलता है। टैप रूट में आपने मॉडिफिकेशन पढ़ा स्टोरेज के पर्पज से, जिसमें कोनिकल पढ़ा आपने, गाजर आपने देखा एग्जाम्पल, ठीक है, कैरोट। उसके बाद फ्यूजीफॉर्म, जिसमें आपने बीट रूट, फ्यूजीफॉर्म में आपने कोनिक, फ्यूजीफॉर्म में स्पिंडल रूट पढ़ा आपने, जिसमें आपने रेडिस देखा यानी कि मूली। नेपी फॉर्म में आपने बीट रूट देखा, जिसमें मेजर पोर्शन जो है बेस पोर्शन जो एकदम स्वेलिंग था और टिप पोर्शन एकदम नैरो हो गया था। उसके बाद ब्रीडिंग रूट, जिसमें आपने मैंग्रोव्स का प्लांट देखा। ब्रीदिंग रूट में आपने निमेटोफोर्स रूट देखे, एंड निमेटोफोर्स में आपने राइजोफोरा एग्जाम्पल देखा था।
एडवांटेजेस रूट में आपने 3 टाइप के मॉडिफिकेशन देखा। पहला मॉडिफिकेशन है स्टोरेज, स्टोरेज में आपने ट्यूबलेस रूट देखा, जिसमें आपने एग्जांपल देखा किसका, आज जो हमारा सेशन हुआ है तो इसमें एग्जांपल देखा आपने स्वीट पोटैटो का। फैसिकुलेटेड रूट देखा, उसमें एग्जांपल देखा आपने एस्पैरागस का। नोड्यूलस रूट देखा आपने, नोड्यूलस रूट में आपने एग्जाम्पल देखा अमल आम हल्दी का। और मोनिलीफॉर्म रूट, बीडेड रूट देखा आपने, जिसमें एग्जाम्पल देखा आपने स्पिनेच का, है ना, जो पालक है उसका देखा आपने। मैकेनिकल सपोर्ट में आपने प्रॉप रूट, यानी जिसको पिलर रूट बोला जाता है, ये एग्जाम्पल देखा आपने बनियन ट्री में। स्टील रूट का एग्जाम्पल देखा आपने कि लोअर नोडल रीजन से बहुत सारे रूट जो है पेरिफेरली कोनिकल ऑब्लिकली ग्रो हो रहा है और सॉइल में पेनेट्रेट कर रहा है। मेज देखा, जवार देखा, इसमें आपने शुगर केन देखा। क्लाइंबिंग रूट में आपने बेटल लीफ देखा यानी पान देखा, और पोटस प्लांट देखा, जिसमें आपने मनी प्लांट देखा, ठीक है, तो ये प्लांट्स आपने इसमें देखा है। एंड बटरस रूट में आपने गुलमोहर पीपल का प्लांट देखा है, गुलमोहर भी उसी में आता है, पीपल है उसमें आपने देखा है, या सिल्क कॉटन प्लांट्स है उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। वाइटल फंक्शन में एपिफाइटिक रूट देखा आपने, एपिफाइटिक रूट में ऑर्किड्स का रूट देखा। फॉलिया रूट यहाँ पे हमने नहीं देखा है, कोई इशू नहीं है। फोलिया रूट में आपका ब्रायोफाइलम होता है, जिसमें लीव से रूट ओरिजिनेट होते हैं। सकिंग रूट देखा, जिसमें आपने कस्कूटा देखा है। और फोटोसिंथेटिक रूट जो है, फोटोसिंथेटिक रूट ट्रैपा में होता है और ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेशन जो है वो एंड होता है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस सेशन में जुड़े। और बच्चों, हमारा रोज़ ये सेशन रहेगा, 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। अभी हम 11th के सब्जेक्ट पे ले रहे सेशन, और कुछ ही टाइम में हम 12th के भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट है आपके बायोलॉजी, उस पे चैप्टर बाय चैप्टर सेशन, लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एक बार फिर से, आपको ये सेशन कैसे लगा आप चैट सेक्शन में इमोजी के साथ बताइए, और उसके साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके प्यारे से मैसेज का। चलिए, जल्दी से चैट सेक्शन में आप लोग जल्दी से मैसेज कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसे लगा, कितना आपको क्लियर हो गया, क्या आपको ये लेक्चर पसंद हुआ, और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन कंडक्ट किया जाए। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। यस, बिल्कुल लेंगे हम ऐसे सेशन। ओके, आकांक्षा ने स्माइल भेजा है, थैंक यू। दिया, थैंक यू। क्लियर हुआ, ओके, थैंक यू सो मच। आपको क्लियर हुआ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आपको क्लियर हो जाए और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, थैंक यू फॉर योर सच टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आपके इस प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम 7:30 बजे। टॉपिक रहेगा हमारा स्टेम, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ताकि जब आपका रिप्लाई फास्ट आता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। बाय बाय।